हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स। स्क्वाड। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। खाने खा के आई गया। नहीं, तो गाइस, आज हम लेकर आए हैं रजत पवार की रोस्ट वीडियो है, एक्सप्रेशन क्वीन की असली बीमारी। इंस्टाग्राम क्रिंज रील रोस्ट कर स्टार्ट। सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाता हूँ, बस इसी बात का घमंड है। घमंड बाद में करना, पहले अपने एक्सप्रेशन संभाल लो। घमंड बाद में करना, पहले अपने एक्सप्रेशन संभाल लो। और अगर मुंह को सही से बनाना नहीं आता तो अपने मुंह पे कपड़ा डाल लो। स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, ये है विशाखा जटनी। इनका मुंह इतना ज्यादा हिलता है, इतना ज्यादा हिलता है कि मुंह के अंदर अगर दूध रख दिया जाए तो वो बाहर दही बन के निकलेगा। और दोस्तों, इनके मुंह में इतनी हड्डियां नहीं होंगी जितनी ये एक्सप्रेशन दे देती हैं कि इनको अगर एक सेंटेंस भी बोलना होता है तो उसके लिए इनके बेचारे मुंह को 200 से 300 स्टेप चलनी पड़ती है। और एक चीज होती है एक्टिंग, एक होती है ओवर एक्टिंग, उसके बाद आती है विशाखा जटनी। मतलब आपके मुंह को आपको बेबलेट कैसे बनाना है ये सिखाती है। अपने मुंह को ना तू इतना खींच बली है क्योंकि हरकतें हैं तेरी एकदम गलीच बली है। मतलब नॉर्मली डॉक्टर एक आम आदमी को बोलता है कि खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, पर ये अपने शब्दों को मुंह में 36 बार चबा लेती है। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग गाने को अपनी वीडियो में यूज करते हैं, ये मिसयूज करती है। मतलब मेरे सामने अगर इंसान एक शब्द बोलने के लिए इतना ज्यादा मुंह हिलाए ना, उसका मुंह पकड़ के बोल दूं भाई बस रुक जा, इतना मत तड़पा अपने मुंह को। उसे लगता है मैं उसकी याद में मर रहा हूं, क्या करे बेचारी, कुत्ता पालने की हैसियत नहीं तो गलतफहमी पाल के बैठी है। और दीदी अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान खोल के अजीब सी बीमारी पाल के बैठी है। मतलब मुंडी टेढ़ी, भेंगी आंखें और अजीब से एक्सप्रेशन, ये बीमारी नहीं तो क्या है। और ये भांग पकोड़ा खा के किए गए क्रियाकलाप को अगर कोई डांस बोलता है ना तो उसको सबसे पहले इलाज की जरूरत है। कि जिंदगी में सब कुछ करो, जिंदगी में सब कुछ करो, अब मेरा थोबड़ा क्या देख रहे, जाओ ना करो। अरे शिनचैन की बालकनी पर बैठी हुई चुड़ैल, थोबड़ा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ भी करेंगे जिंदगी में वो बाद में करेंगे, पहले तुम्हारा थोबड़ा सही करना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले। और मेरी मानो तो दीदी, तुम भी जिंदगी में कुछ भी कर लेना पर इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना। मतलब जितना तुम मुंह हिला रही हो तुम्हारे मुंह का कबूतर का घोंसला बन जाएगा, अच्छा लगेगा। रात में सो रही हूँ, मुंह में अंडा देके चला गया कबूतर, सॉरी कबूतरी। मतलब हम तुम्हारा एटीट्यूड देखे, अरे तुम हमें इग्नोर करो या डूब मरो, अपना चार चवन्नी का मुंह लेके चलता बनो, हमें तुमसे क्या मतलब। यार इसका मुंह है या बिना पानी का मछला, इतना ज्यादा तड़प कैसा लेता है। और एक तो मोटर जैसी चालू हो जाती है टेढ़ी मुंडी करके, घेर 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 घेर। टेल अस हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट। गिर 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 गिर। और दीदी ये चार चवन्नी जैसे मुंह बैटर होते हैं, ऐसे चिमटे जैसे चप चप करने वाले मुंह से, और इस बिचारी का तो बस मुंह तड़पता है। दोस्तों एक है वो तो नागिन बन जाती, पूरी तड़प जाती ऊपर से नीचे तक। मैं बता रहा हूँ इस अकेली सांप की पूंछ में पूरे गांव से ज्यादा एनर्जी है, ये इतनी ज्यादा तड़प लेती है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने इसकी एनर्जी की मोटर चालू करके बटन छुपा दी, कहीं ओवरफ्लो हो रही है वो एनर्जी। भाई इसको देखकर मेरे को खुद में बीमार फील होने लग जाता है, मैं डिप्रेशन में चल जाता हूँ कि मैं अपने पलंग से उठ के पानी लेने नहीं जा पाता किचन में, और ये अपनी जगह पे खड़ी खड़ी पवन चक्की बन जाती है। बीच बीच में छिटके लेके डरा देती है सड़ी हुई खीर, और मुंह को इतना खींचती है जैसे दिमाग में लगा हो बचपन में कोई तीर। गंदा खाता हूँ मैं यार, हर बार रियलाइज होता है। मतलब सीरियसनेस देखो, आपकी बात भी नॉर्मली नहीं करती है, झटके लेती रहती, कुछ काला जादू सा करती रहती बीच में। एक तो लोग बेचारे कमेंट में पूछ पूछ के परेशान हो गए कि बहन बता दे क्या बीमारी है, कब तक ठीक हो सकती है, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, पर मजा ले बता दे ना, नक को बिल्कुल नहीं, मुंह तक नहीं खोलती उस बारे में, वरना तो मुंह चलता ही रहता है। बहन तू एक काम कर, हमें गोली मार दे, पर ऐसा मुंह मत बना, ऐसे एक्सप्रेशन देती है जैसे सुबह का नाश्ता पेट में पूड़ी। एक तो ये बंदर छाप अगरबत्ती अपने कर्तव्य दिखाने भी पहाड़ की चोटियों पे जाती है। मतलब जितना जिस प्रकार से इसका शारीरिक नियंत्रण बिगड़ा हुआ है, इसको कमरे में बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जीव जितना खुद के लिए हानिकारक है उससे ज्यादा ये दुनिया के लिए है, कभी भी किसी पे भी हमला कर सकता है। दीदी हम नॉर्मल लोगों को रील पे डराने से अच्छा है कोई भूत की मूवी ढूंढो, वहां पर चुड़ैल का रोल करो। मतलब ये जो दौरा पड़ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है खतरनाक से, ये काम तो आएगा, ये पैसा तो मिले। पर ठीक है बेचारी दीदी जो भी करती है, एटलीस्ट दोगली नहीं है। मैं आपको मिलवाता हूँ एक दोगलू से, इंस्टाग्राम रील का दोगलू, ये है आबिर।
इसको दोरे चढ़ते हैं, इसकी दो पर्सनैलिटी है अलग अलग। कभी तो ये बहुत ज्यादा प्रेम में पड़ा होता है, भीख मांग रहे होते प्लीज वापिस आ जाओ मेरी गर्लफ्रेंड एक्स वापिस आ जाओ, कभी उसको गालियां दे रहा होता है। लड़कियों के चक्कर में पड़ने नहीं चाहिए, लड़कियां ढोकला देती है। अबे ढोकला नहीं धोखा, हाँ मतलब धोखा देती है। दो पर्सनैलिटी है भाई, तेरी औकात यहाँ की थी और मैंने तेरे को अपने बगल में बिठा दिया और तू वही निकली जो मेरे दोस्त ने बतलाया। सही बात है, लड़कियों को ब्रेक के ऊपर बिठाना चाहिए, बाजू की सीट पे थोड़ा ना। बेचारे को धोखा दे दिया, बड़ी खराब लड़की थी। मतलब तुम सोचो जो इंसान ब्रेकअप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को इंस्टाग्राम रील पे इस प्रकार बदनाम कर सकता है, क्या ही प्यार किया होगा इस पोपलू ने, कितनी ही इज्जत दे दी होगी उसको। तो बहन मैं तो तेरे साइड हूँ, अच्छा हुआ छोड़ दिया इसको, बहुत बढ़िया। मेरी जान, तेरे को तो बोल नहीं सकता क्योंकि ब्लॉक हूं ना, इसे तेरी फोटो पे बोल देता हूं वापस आ जा यार। अरे मेरे चमड़ी छोड़ने वाले बिना केचुली के साथ इतनी जल्दी कैसे बदल रहा है, इंसान है या सफेद जूता, गंदा हो गया जरा। मैं अभी बोल रहा था कि ब्रेक पे बिठाना चाहिए, अभी भीख मांग रहे मैं भी जाऊं अभी गई तो करेगा क्या तू, उसका ब्रेक पे बिठाएगा फिर गाड़ी कैसे चलेगी तेरी। अरे अभी उसकी शिफ्ट ओवर होती ना, वहाँ रहते हो सामने, आज कैब छोड़ने नहीं आई, एक लंबी सी गाड़ी में स्मार्ट से लड़का छोड़ने आया। फिर मैं चलो दोस्त होगा, कौन दोस्त को बाय करते वक्त गाड़ी में से छूटते हुए गाल में किस करते हैं यार, ये दोस्त तो नहीं था। हाँ, और तू नॉर्मल लड़का तो नहीं है, मोहल्ले की चुगली आंटी बालकनी पे खड़े होकर जासूसी करता है ये लोगों की कि नया बॉयफ्रेंड बन गया, देखे ओ चुम्मी किससे मिल रही है, देखो अभी जाके इसके मम्मी पापा से चुगली करके आती हूँ। क्यों चुगली आंटी, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है व्हाट्सएप पे अपना बबली रोना करने वाले डीपी गायब करने वाले लड़के इंस्टाग्राम रील पे कब से आ गए रोने। रात के 1:30 बज रहे हैं और प्रपोज करने जा रही है वो उसे, सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, इसको तो बीच में नहीं छोड़ देगी ना, ये वादा तो पूरा करेगी ना उसके साथ, मैं तो स्ट्रॉन्ग था। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई तू, यही तो स्ट्रॉन्ग होना होता है कि इंस्टाग्राम पर इंटरनेट पर पूरी दुनिया के सामने आके अपना बबली रोना कर लूं, मुझे छोड़ दिया मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है दोस्तों, ये बहुत इजी होता है, दुनिया के सामने आओ रो दो, यहाँ कोई जज ही नहीं करेगा क्योंकि किसी को दूसरी साइड पता ही नहीं है, ये अपनी साइड सुनाता है रोता है लोग सिंपैथी देते हैं खुश, बाकी साइड बाय साइड गलत चीजों का प्रमोशन चलता ही रहता है। आजकल के प्लेबॉय के जमाने में लड़कियों को लड़कियों के नाम तक याद नहीं रहते हैं, मैं वो लड़का हूँ जिसको 2 साल बाद भी ना उसका नंबर मुंह जुबानी याद है। अरे हाँ भाई कोई अवार्ड दे दो इसको, नंबर याद है, और वो लड़का भी तू ही है जो ब्रेकअप के बाद अपने बाबू सोना लेमड़े थेमड़े को इंटरनेट पर आके बदनाम करता है, जिसके प्यार के नाम के बबली रोने मचाए हुए थे बहुत प्यार करता हूँ वापिस आ जाओ, बहुत खराब थी वो, अब मैं बदनाम करूंगा। उसका मुझे मैसेज आता है क्यों बदनाम कर रहे हो मुझे, फेक आईडी बन के घुसे हुए हो, बंद करो ये सब, एक माँ के लाल को जिंदा लाश बनाया तूने, अबे बाप की शहजादी को मैं बर्बाद करूं इतना तो हक मेरा भी बनता है। दूसरे को बदनाम बाद में करना, पहले खुद का नाम कर ले। और जो ऐसे लोग होते हैं ना जो ब्रेकअप के बाद अपने एक्स को वो करते बदनाम कर दूंगा बदला ले लूंगा, ये वही लोग होते हैं जो उसको फील करवा देते हैं बहुत अच्छा किया तुमने ब्रेकअप करके, वो खुश होते हैं कि हाँ सही टाइम पे छोड़ दिया भाई इस टॉक्सिक को तो। और हाँ भाई साहब लड़कियां तो वैसे ही बदनाम है मूड स्विंग के नाम पे, ये अपना बिना नहाया हुआ पोकेमोन उनसे भयंकर मूड स्विंग लेके घूम रहा है, कभी प्यार करता है कभी नहीं करता, कभी इज्जत करता है कभी नहीं करता, कभी उसके सामने जाके रोएगा अनब्लॉक कर दो, उसके सामने नहीं मतलब अपने ही सामने इंस्टाग्राम पे प्लीज अनब्लॉक कर दो, और जैसे ही वो अनब्लॉक करेगी सिग्मा बन जाएगा, मेरे को तो रहना ही नहीं ना तुम्हारे साथ। मेरी जान, एक्स जान, प्यार करने के लिए ना यहाँ 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 दिल चाहिए होता है, दिल जो धड़कता है, और तूने वो दिल ना पत्थर का बना दिया है। उसी पत्थर में अपना सर मार के फोड़ दे, या फिर ये मेरा सर रहा इस पे पत्थर मार के मेरा सर फोड़ दे। अबे आदमी है शिकंजी कितना हिला हुआ है। और दोस्तों मुझे जितना समझ आता है ये आदमी एक नंबर का फेक है, ये जितने भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग मैसेज चैट दिखाता है ये सब फेक है, ये कोई दिल टूटा आशिक नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, और हुआ भी होगा तो जिसका होता है वो ऐसे इंटरनेट पे आके रोता नहीं है बदनाम नहीं करता। सही बात है। और भाई साहब ये जो चाह रहा है ना ये चाह रहा है कि इसकी तुम पर्सनैलिटी देखो कि बड़ा दुखी है बेचारा सिंपैथी चाहिए, तो जो दिल टूटे लोग हैं जिन लोगों के ब्रेकअप हुए वो इसको जाके सिंपैथी दे दे इससे रिलेट कर जाए, सिर्फ इतना ही मुद्दा, और बाकी बहुत सारे और लोग भी हैं इसके जैसे जो फेक पर्सनालिटी तो नहीं दिखा पाते फेक प्रेगनेंसी दिखा देते हैं व्यूज के लिए। किस्मत का नहीं रे लाला, सब मेहनत का खेल है। ये अरमान मलिक की छत्रो छाया में भी ना जाने कितने चील पतंगे पल रहे हैं, सबको लगता है दो शादी करना बहुत ज्यादा कूल है यस, और ये मेहनत का या फिर किस्मत का नहीं रे लाला ये तकिया का नतीजा है, तकिया भरा हुआ है अंदर है, और जितना ये लोग ये तकिया लगा लगा के ये रील बना चुके हैं बार बार, अगर सच में अंदर एक बच्चा होता तो मिल्क शेक बन गया होता उसका अब तक। किस्मत का नहीं रे लाला, सब मेहनत का खेल है। यार मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ऐसे 9 महीने तक रील के लिए सच में अगर तकिया अंदर रखे रहेंगे तो पैदा क्या होगा, कॉटन का रूमाल है। और इतने ज्यादा व्यूज के भूखे रीच के भूखे कि एक बार तो इनने अपने पतिये को भी तकिया रख के खड़ा कर दिया टी शर्ट के अंदर, पतिये को नहीं सॉरी दोस्तों पति को, पति के भी टी शर्ट में तकिया रख दिया था आई मीन टू से, मैं भी पागल हो गया उन लोगों को देख देख के, लाइक कर दिया करो मेरे पागलपन से मुझे बचा लिया करो लाइक करके प्लीज। किस्मत
किस्मत का नहीं रे लाला, सब मेहनत का खेल है यार। सबके रिश्तेदार पूछते हैं कि क्या करते हो, वो क्या करता है, ये क्या करता है। इनसे जब पूछते होंगे क्या बोलते होंगे, हम तकिया करते हैं, कपड़ों के अंदर तकिया कर देते हैं। और पति ने तो तकिया रखा है, रजाई रखा, समझ ही नहीं आ रहा क्या पैदा करेगा, मगरमच्छ का बच्चा। पर दोस्तों एटलीस्ट इन लोगों के पास कुछ करने को तो है। मेरी वीडियो पे अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने। क्या मतलब, अजीब मुंह बनाया तो चटनी बना दोगी मेरी? बड़ा पाव बनाना भाई। अबे यार मुझे समझ में नहीं आता सच में, मतलब हम तो सोचते कि यार ऐसा करेंगे तो ये चीज ऐसी ऐसे हो जाएगा, ये मतलब डाल कैसे जाएगी? सोच लिया एडिट हो गए, पर डालते टाइम इनकी उंगलियां नहीं गाती क्या? ऐसे 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 नहीं होती क्या? हम तो अगर छोटे से अभी हमने न्यू चीज स्टार्ट की है, कर दे क्या थोड़ा सा प्रमोशन? नहीं ठीक है, आप खुद ढूंढो। तो अभी हमने न्यू स्टार्ट किया है कुछ, उस पे हम अगर कुछ बनाते भी ना तो पहले 10 बार सोचते कि यार ये चीज ऐसे ही लगे। अगर ये चीज ऐसा कमेंट ना आ जाए, ऐसा ना, ऐसे ये सोचने हमारे दिमाग में चलता रहता है कि यार अगर ऐसा बोल देंगे तो ये चीज ऐसे लगेगी आगे जाके, मतलब बहुत सोच समझ के डालते हैं। पता नहीं इनका यार कैसे होता है, समझ में नहीं आता मेरे को यार। छोड़ो हमें क्या। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।